नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा KTM RC390 का हॉर्न कैसे रिप्लेस करते हैं। वो हॉर्न निकालने से पहले आपको KTM RC390 का लेफ्ट साइड का पैनल निकालना पड़ेगा। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो किया हुआ है, लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा। उधर जाके वो वीडियो देख के लेफ्ट पैनल आपका निकाले और बाद में ये वीडियो फॉलो कीजिए। तो KTM RC390 का हॉर्न इधर रहता है, तो इसके पहले वायर छोड़िए इसे खींच के। तो ये हॉर्न के पीछे का बोल्ट निकालने के लिए आपको चाहिए पड़ेगा ऐसा फ्लेक्सिबल अटैचमेंट सॉकेट के लिए, क्योंकि इधर पाना भी डालने के लिए थोड़ा दिक्कत है। ये एडजस्टमेंट सब इस टूल बॉक्स में आता है, तो अगर आपको ये टूल बॉक्स खरीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप ये टूल बॉक्स परचेज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा टूल बॉक्स है, ये आपका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा रहेगा। तो ये एडजस्टमेंट से आप ये सॉकेट इधर आराम से लगा सकते हो। और ये हो गया मेरा बोल्ट लूज़, अब आराम से मैं ये बोल्ट निकाल सकता हूँ। तो ये निकल गया मेरा हॉर्न बाहर। तो अगर आप चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं नए वाले के साथ, या यही रिपेयर करना चाहे तो ये भी रिपेयर कर सकते हैं।